यूपी के डिप्टी सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक पूरे एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जब वह एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे और पीने के पानी का सवाल सीएमओ साहब से पूछा गया तो सीएमओ साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जरा देखिए कैसे फिल्म को फटकार लगी। अरे भाई, ये बताओ, यहाँ पीने पानी मरीज के लिए कि हमारे लिए है? ये बड़े भाई, यहाँ कौन मरीज आएगा? मरीज आने की कोई चांसेस भी नहीं है। सिंचाई के लिए लगा है और यहाँ ईंटा आज रखा है तुमने? भाई मेरी बात सुनो, कल रखा है। नहीं, अभी बताओ ये इंटिया वाटर कूलर क्या बता रहे? नहीं, ये जस्टिफाइड है क्या? नहीं जस्टिफाइड है। ये आप जहाँ पे मरीज के पास, वहाँ पर जहाँ पर बड़ी वाले, अरे कहीं ना कहीं जहाँ भीड़ रहेगी वहाँ लिखा हुआ, ये पीने पानी आपने लिख दिया और इधर कर दिया तो खेत है आपका? ना, कोई नहीं है। गजब है भाई, आप खुद देखो भाई, कितनी बार आपको परिपत्र जारी हुआ है पीने के पानी, स्टेचर, गंदगी, ये तो परिपत्र जारी हुआ है। ये कार्रवाई आपने की है जो हमने कहा है? बताओ, यहाँ सिंचाई के लिए पानी है, ये इसमें फिल्टर भी नहीं लगा है? जब फिल्टर नहीं लगा तो पानी कैसे की पीने लायक नहीं है? और वो हमें लगा चल भी नहीं रहा है। अरे बाबू, उसका स्विच ऑफ है, यहाँ से दिख रहा है। आना है, देखो यहाँ से आना है आप, देखो तब कैसे कह रहे हो आना है? गर्मी भीषण पड़ रही, 45 डिग्री टेम्परेचर है। नहीं, स्विच भी तो बंद है, और ये ओपन में कैसे रखे आपने मशीन को? अरे भाई नहीं, छत देखो उसकी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।